अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शानी भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पार्ट थ्री, आपको मैंने कहा था कि पार्ट थ्री आपके लिए लाऊंगा। आपने उम्मीद है कि पार्ट वन और टू लाजमी देखा होगा। अगर पार्ट वन टू नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखें, फिर आपको ये पार्ट थ्री की समझ आएगी। पार्ट थ्री में मैं आपको क्या कहने लगा, मैंने आपको कहा था कि पार्ट थ्री में आपको मैं बताऊंगा, अगर आपके पास एक कन्फर्म ब्लूटूथ आ जाता है उससे फिर आप कंफर्म आगे ब्लूटूथ कैसे ले सकते हैं, ठीक है, कंफर्म ब्लूटूथ कैसे बना सकते हैं। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें। ये देखें आपके पास, अगर ये देखें ब्लू फिशरी कंफर्म ब्लूटूथ हो गई है, ब्लूटूथ फिशरी आपके पास आ गई है। ये आपने टेस्ट ब्रीड करवा ली, सारा कुछ करवा लिया। आप अगले साल इसको सिंपल पार ब्लू के साथ लगाएं, उसमें जो आपके पास जितने भी ब्लू फिशरी आएंगी ना वो कंफर्म ब्लूटूथ होंगी गारंटी के साथ। उसको आपको टेस्ट ब्रीड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ आप क्रिमिनो भी लगा सकते हैं, क्रिमिनो के साथ लगाएंगे तो इसमें से जो ब्लू फिशरी आएगी वो स्प्लिट इनो भी होगी और कन्फर्म ब्लूटूथ भी होगी, ठीक है। ये फिशरी के साथ आपको समझ लग गई। ये सेकंड बर्ड है मेरे पास, अल्बाइनो ब्लैक है, स्प्लिट रेड है और ब्लूटूथ, ठीक है। पहले मैंने आपको पेरिंग में क्रिमिनो डेकिनो के साथ बताया था, जो आपके पास अल्बाइनो रेड ब्लैक है जो आएगा वो होगा पॉसिबल ब्लूटूथ आपके पास, उसमें से आगे कंफर्म ब्लूटूथ। अब अल्बाइनो आपने आगे कंफर्म ब्लूटूथ कैसे बनाना है, ये आपके पास आ गया अल्बाइनो ब्लूटूथ, इसको आपने लगाना है क्रिमिनो के साथ। अल्बाइनो ब्लैक ही है उसको लगाएं क्रिमिनो के साथ, अल्बाइनो रेड ही है तो उसको लगाएं डेकिनो के साथ। उसका फायदा ये है, आपके पास क्रिमिनो भी आ जाएंगे, डेकिनो भी आ जाएंगे, ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, रेड टू ब्लैक लगाएंगे और उसमें से जो अल्बाइनो रेड ही और अल्बाइनो जो ब्लैक ही आएगा वो कन्फर्म ब्लूटूथ होगा। उसमें आपको कोई टेस्ट ब्रीड की जरूरत नहीं है, आप उसको किसी भी अल्बाइनो रेड ही ब्लैक ही के साथ लगाएं, आपके पास सारे क्रिमिनो डेकिनो आएंगे। उसके अलावा तीसरा बर्ड कोई कुछ भी नहीं आएगा। ये होगी आपको ब्लूटूथ की वर्किंग। चले जो उम्मीद है आपको ये ब्लूटूथ के बारे में समझ लगी होगी, ब्लूटूथ कैसे प्रोड्यूस होता है और कंफर्म ब्लूटूथ कैसे आता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ब्लूटूथ को म्यूटेशन में कैसे लेके जाना है। अल्बाइनो तो म्यूटेशन में नहीं जाएगा, इस ब्लू फिशरी की वजह से अगर ये ब्लूटूथ है आपके पास, इससे आप जो भी म्यूटेशन है, चाहे वो ऑफलाइन है, डाइल्यूट है, पेल फेलो है, डन फेलो है, इसकी मदद से आप कंफर्म उनको ब्लूटूथ बना सकते हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, इसी वीडियो में बता देता हूँ। आपके पास ये ब्लू फिशरी है, मिसाल के तौर पे ये फीमेल है, आप इसको ब्लूटूथ की फीमेल है, आप इसको लगा दें पार ब्लू ऑफलाइन के साथ। आपके पास अब इसमें से क्या आएगा, इसमें से जो ब्लू फिशर स्प्लिट ऑफलाइन जो आएगा ना वो आपके पास कंफर्म ब्लूटूथ होगा और ब्लू ऑफलाइन की फीमेल भी इसमें से आएंगी, वो भी कंफर्म ब्लूटूथ होंगी। इस तरह आप म्यूटेशन को ब्लूटूथ में लेके जा सकते हैं, वो फिर आगे सारे आपको पार ब्लू ऑफलाइन निकाल के देगा। इसी तरह आप इसको पेल फैलो में, इसी तरह डाइल्यूट में, इसी तरह डन फैलो में भी लेके जा सकते हैं। और आजकल हाई ब्लूटूथ की डिमांड, और पार ब्लू थोड़ा खूबसूरत बर्ड भी है, ये ब्लू की निस्बत बहुत ही प्यारा और खूबसूरत बर्ड लगता है, इसलिए उसकी डिमांड भी है। इसलिए आप भी ब्लूटूथ की वर्किंग करें, हर म्यूटेशन को ब्लूटूथ में लेके जाएं, आपका ही इसमें फ़ायदा है। चले जी उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, शानी भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।